लाइव टीवी एक्सप्रेस हिंदी न्यूज चैनल जो रखता है राज और समाज की हर खबर पर अपनी कड़ी नजर। देश विदेश की खबरों के साथ ही आपके समाज और आसपास हो रही घटनाओं से भी हम कराते हैं आपको रूबरू। तो आइए चलते हैं कुछ खबरों की ओर, जिसकी पड़ताल सिर्फ और सिर्फ लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम करती है। आज की कुछ खास खबरें आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। ताजा मामला सीतापुर सधौली के ब्लॉक कसमंडा के अलीपुर गांव का है, जहां के रहने वाले राम नरेश पुत्र हरदेव रावत रात करीब 1 बजे के समय में महमूदाबाद से सधौली की तरफ से आ रही तेज बैग ट्रक वाहन संख्या HP 8992 जो अनियंत्रित होकर राम नरेश के घर के सामने एक रोलर खड़ा हुआ था। पहले ट्रक की टक्कर रोलर को मारी, जिससे रोलर खाई में जा गिरा। उसके बाद ट्रक घर में जा घुसा, जिससे राम नरेश, हरदेव व नरेश की बीबी किरण व उनका लड़का सामनी घायल हो गए। युवक के छत, बेड व बक्सा अलमारी का अन्य सामान टूट गया। उनको आनंद फानंद में सधौली CSC में ले जाया गया। मौके पर 112 डायल किया गया। मौके पर पहुंची 112 ने ड्राइवर को अपनी गिरफ्त में लेकर थाने के हवाले कर दिया। सधौली इंस्पेक्टर ब्रजेश त्रिपाठी व अन्य पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर पीड़ित को थाने बुलाया व आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही। अभी तक ट्रक मालिक मौके पर नहीं पहुंचा। ये तो ईश्वर की महिमा है, जिसे राम नरेश का पूरा परिवार एक बड़े हादसे से बच गया। लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज से क्राइम संवाददाता नरेंद्र यादव की रिपोर्ट। खास खबरें, हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें लाइव टीवी एक्सप्रेस।